अगर भारत के इतिहास के पन्नों में किसी जाबाज मिलिट्री ऑफिसर का नाम लिया जाए तो वह कैप्टन विक्रम बत्रा होंगे। शेरशाह नाम से बुलाए जाने वाले यह जाबाज मिलिट्री ऑफिसर के कई बहादुरी के किस्से हैं, जिसकी वजह से इन्हें हमेशा याद रखा जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में पालमपुर कांगड़ा जिले में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। वो एक हिंदू पंजाबी परिवार में जन्मे थे और उनका परिवार पश्चिमी पंजाब आई हुई थी, जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। वह गिरधारी लाल बत्रा और कमल कांता बत्रा के तीसरे संतान थे और उनके एक जुड़वा भाई है और दो बहनें भी हैं। सन 1990 में उन्होंने और उनके जुड़वा भाई ने अपने स्कूल की तरफ से टेबल टेनिस में हिस्सा लिया था ऑल इंडिया KVS नेशनल्स में। इसके साथ वह कराटे में भी ग्रीन बेल्ट होल्डर है और उन्होंने नेशनल लेवल पर एक कैंप में भी हिस्सा लिया था, जो मनाली में आता है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर हिमाचल प्रदेश में की थी, जहां पर वह 8वीं कक्षा तक पढ़े थे। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने सेंट्रल स्कूल पालमपुर हिमाचल प्रदेश में की थी। विक्रम बत्रा ने कॉलेज में दाखिला DAV कॉलेज चंडीगढ़ में लिया था और इसके बाद वे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी पढ़े थे। उन्होंने BSc भी किया हुआ है, जो कि मेडिकल साइंस में है, और MA भी किया हुआ है, जो कि इंग्लिश में था। लेकिन उनको MA आधे से ही छोड़नी पड़ी और इनकी पढ़ाई पूरी ना हो पाए। मिलिट्री जीवन के शुरुआती अध्याय। कैप्टन विक्रम बत्रा कॉलेज के दिनों में ही नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC में एयर विंग में भर्ती हुए थे। इंटरस्टेट नेशनल कैडेट कॉर्प्स में उन्हें सबसे बेहतरीन NCC एयर कैडेट विंग चुना गया था। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने 40 दिनों की पैराट्रूपर ट्रेनिंग करी है NCC एयर विंग पिंजो एयरफील्ड और फ्लाइंग क्लब में। इसके बाद वह 2 साल तक एयर विंग ऑफ NCC में कैडेट बने रहे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 1996 जून के महीने में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ज्वाइन किया मानेकशॉ बटालियन में। 19 महीनों की ट्रेनिंग के बाद वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होकर 6 दिसंबर 1997 को 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स लेफ्टिनेंट के पद में नियुक्त हुए। मिलिट्री जीवन के अंतिम अध्याय। सन 1998 में विक्रम बत्रा को सोपोर की अपनी बटालियन ज्वाइन करनी पड़ी, जहां पर उनका आतंकवादियों के साथ कई एनकाउंटर हुए। इस दौरान वह मौत को चकमा देकर कई आतंकवादियों को मार गिराया। जनवरी 1999 को बेलगाम कर्नाटका में उन्होंने कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग ली, जहां पर उन्हें इंस्ट्रक्टर ग्रेड का अवार्ड मिला, जो कि सबसे उच्चतम ग्रेडिंग होती है। जब भी कैप्टन विक्रम बत्रा छुट्टियों में घर आते तो वह न्यूगल कैफे जरूर जाया करते थे और यहीं पर उनकी मुलाकात उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा से हुई। 5 जून 1999 को कारगिल वार की जंग छिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से कैप्टन विक्रम बत्रा को यह आदेश मिला था कि वह जम्मू कश्मीर के द्रास वाले इलाके में अपनी बटालियन को लेकर जाएं। 5140 जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है द्रास के इलाके में, इसे हासिल करने में कैप्टन विक्रम बत्रा की बड़ी भूमिका रही है। इस मिशन के ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मो चुना था अपनी मिशन की कामयाबी के लिए। उन्हें लेफ्टिनेंट से कप्तान बनाया गया मिशन 5140 के बाद। 4 जुलाई 1999 को विक्रम बत्रा ने साहस और हिम्मत की एक और मिसाल दी। उन्होंने 4875 को कैप्चर करने की ठानी, जब उन्हें बुखार ज्यादा था और वह अस्वस्थ थे। इस दौरान उन्होंने कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया और जिसमें वो खुद बुरी तरह से जख्मी हो गए थे अपने साथी के जान बचाते बचाते। कप्तान विक्रम बत्रा की मौत अपने साथी की जान बचाते वक्त गोली लगने की वजह से हुई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा सर के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।